के बच्चे, तुम लोगों को हमारी गाड़ी मिलती है मरने के लिए? और मरने का इतना ही शौक है ना, तो कहीं और जाकर मरो। एक्सक्यूज मी मैडम, क्यों डांट रही हो बच्चे को? ये गरीब के बच्चे जानबूझकर गाड़ी के सामने आ जाते हैं और बाद में पैसे ऐंठते हैं। गलती आपकी थी, मैंने देखा आप रॉन्ग साइड से आ रही थी। ओ अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि क्या गलत है क्या सही है, और तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप लोगों को कि आप लोग कैसे हो, अपने पैसों की पावर इन गरीबों पे दिखाती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह बात करने की? आराम से मैडम, ये कोमल हाथ अपने संभाल के रखिए, आपके संवरने के काम आएंगे। आपका ऑर्डर। अच्छा सुनो। हाँ? वो एक्चुअली मुझे आपको सॉरी बोलना था, कल जो भी हुआ मुझे रियलाइज हो गई कि गलती मेरी थी, सो आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आपको अपना गलती का एहसास हो गया, काफी है। थैंक यू। अच्छा सुनो, क्या कल तुम फ्री हो? हम लोग साथ घूमने जा सकते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ओके। चले। वैसे तुम और क्या करते हो? बस यही पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और आगे पढ़ाई कर रहा हूँ। पहली शर्त जुदाई है, इश्क बड़ा हर जाई है, दिल पे किसने दस्तक दी, तुम हो या तन्हाई है, हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे रहते तुझसे चाहते, तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। मैंने तो धीरे से नींदों के धागों पे बांधा है वादों को तेरे, मैं ना जहां चाहूं ना आसमां चाहूं, आ जा हिस्से में तू मेरे, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं
मैं जैसे कोई नादानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। यार तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं कब्र कैसे, लेकिन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ मैं। पर प्लीज़ कभी मुझे छोड़ के मत जाना, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। चुप रहो तुम, मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़कर। अब चले या यहीं बैठे रहना है? हाय मीनू। हे इधर क्या कर रही हो? बस घूमने आई थी। वैसे ये है मेरा बॉयफ्रेंड दीपक, और दीपक ये है मेरे फ्रेंड्स शिवम और सुनील। बॉयफ्रेंड सही है। वैसे क्या करते हो तुम? मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ एज अ डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय? कितने कमा लेते हो महीने के? 8,000 रुपए। 8,000? अबे इतने का तो मैं सिगरेट फूंक देता हूँ। क्या यार मीनू, तू कैसे लड़के के साथ घूम रही है जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है? ये सब क्या है मीनू? सो व्हाट, क्या गलत कहा है इन लोगों ने? तुम नहीं हो क्या डिलीवरी बॉय? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे प्यार करूंगी? मुझे तो बस तुझे तुम्हारी औकात दिखानी थी। अब अगली बार किसी से प्यार करने से पहले एक बार सोच लेना कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। चन दी चांदड़ी थल्ले बैके, चन दी चांदड़ी थल्ले बैके, दो गल्ला करिए प्यार दिया, अजा गल्ला करिए, अजा गल्ला करिए, अजा गल्ला करिए, दो गल्ला करिए। सब जानदा है मैं छड नहीं सकदी तेनू, तेरी याद ने उंगला ते रोज नचाने मैनू, अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू, तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे, हाय को हुंदी एवे जिंदगी दोबारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा, वे मैथों तेरा मन भरया। अरे दीपक तू अकेला यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है भाई, सब बर्बाद हो गया है। क्या हो गया है मुझे साफ साफ बताओ। अच्छा तो ये बात है। देख भाई हम गरीब लोग हैं और वह अमीर, और अमीर लोगों का काम ही होता है हम गरीब का मजाक बनाना। भूल जाओ उसे और अपनी लाइफ में वापस आ जाओ और आगे बढ़ो।
यार कितना लेट करती हो, पार्टी खत्म हो जाएगा तब जाओगे क्या? पता है ना बॉस आज किसी स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाले हैं। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, अब चले। पार्टी तो काफी अच्छी ऑर्गेनाइज की है बॉस ने। लगता है बॉस ने कोई बड़ा हाथ मारा है। वैसे बॉस है कहाँ, कहीं दिख नहीं रहे। तुमने याद किया, लो मैं आ गया। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पार्टी एंजॉय करो, मैं और सबसे मिल के आता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये तो वही है ना तेरा आसिक। हाँ हाँ ब्लडी चीफ। वही। रुको मैं जरा इसको इसकी औकात दिखा के आती हूँ। ओहो तो तुम यहाँ भी आ गए, थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या तुम्हारे अंदर, जो इतना कुछ होने के बाद भी वही कर रहे हो? आई नो कि वेटर का ही काम करने आए होगे। चलो ठीक ही है, कुछ तो कमा ही लोगे। मीनू माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी सर बट क्या गलत कहा मैंने, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़ी हो? इस पार्टी का चीफ गेस्ट, मेरे कंपनी का नेक्स्ट ऑनर। क्या ये कैसे हो सकता है? हम पैसे से जरूर गरीब हैं, लेकिन हम लोग चाहें तो मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं। सर आपका ऑर्डर। थैंक यू। अरे तुम क्या हो गए सर? आज तुम नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं बच पाता। ठीक है सर मैं चलता हूं। रुको बैठो। तुम ये काम क्यों करते हो, कोई अच्छा सा जॉब क्यों नहीं कर लेते? कितने तक पढ़ाई किया तुमने? सर मुझे बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने एमबीए का कोर्स भी स्टार्ट किया था, बट पैसे ना होने के कारण वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। अच्छा तो समझो आज तुमने सारी कोर्स कंप्लीट कर ली। मैं समझा नहीं। मेरी कंपनी में काम करोगे? कंपनी? मेरे कंपनी में काम करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मुझे एक ईमानदार और मेहनती लड़के की जरूरत है, और अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम इस कंपनी का ऑनर भी बन सकते हो, और अगर एतराज ना हो तो मेरे बुढ़ापे का सहारा भी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस लायक समझा। आज हमारी कंपनी 10 कंपनियों में से नंबर 1 पे है, और ये सब दीपक की मेहनत और लगन का नतीजा है, और आज से इस कंपनी का ऑनर दीपक है। आई एम रियली सॉरी दीपक, मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया मुझे उसके लिए माफ कर दो। माफ तो मैं कर देता, बट तुम बस मेरा दिल ही नहीं तोड़ी हो, एक लाचार इंसान का मजाक उड़ाई हो जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता। और गरीब इंसान नहीं वक्त होता है, और वक्त सबका बदलता है। और हाँ एक बात और, आइयो तो खाना खा के जाना।
आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, बेस्ट पार्ट कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और शेयर जरूर करें गाइस, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ हम लोग बातचीत करेंगे, और मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और फैला दें वीडियो को।